हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में जो हम संज्ञा पढ़ चुके थे उसके बाद का अगला टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम तो आपको बचपन से ही पढ़ा होगा, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हिंदी को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से पढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं तो हमने हेडिंग में सर्वनाम डालिए, बहुत ही जेन्युइन बात है। ठीक है, तो सर्वनाम आज हम पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम का जो मतलब होता है, सर्व का मतलब क्या है, सभी का, और नाम का मतलब नाम होता है भाई, ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयुक्त हो सके। जैसे कि हम लोग बहुत बोलते हैं ना, अगर साले, तो ये क्या होता है, वो सबके लिए यूज हो सकता है। आपने एक मेम में देखा होगा इसके लिए। ठीक है, तो अभी राम बोलते, अब राम तो मेरा दोस्त है, ठीक है, अब हम उसको हमेशा एक ही नाम से तो बुलाएंगे। अगर कहीं भीड़ में खड़ा हो तो बुलाएंगे, अगर अकेले खड़ा हो तो क्या, ओए इधर आ, ए इधर आ, ए सुन नहीं रहे हो। और भी बहुत तरीके होते हैं, वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कई तरीकों से बुलाया जा सकता है। तो सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, वह सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे, जैसे कि मैं, तुम, भाई, आप। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेंटेंस बोला कि रजत सर ने पढ़ाया, और रजत सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, रजत सर वीडियो बना रहे थे, रजत सर ये बता रहे थे। अरे तो बार बार रजत बोलना जरूरी नहीं है, तो आप क्या बोल सकते, रजत सर इतने बड़े पढ़ा रहे थे और उनकी क्लास में ये पढ़ाया गया और उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने ये बात बोली। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार नाम को लेने की जगह क्या कर रहे हैं, उन्होंने या उन्हें या वे या तुम, कुछ ऐसा बोल दे रहे। तो वो सब क्या है, सर्वनाम है हमारा। अब देखिए इनके टाइप्स कितने होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि इनके टाइप्स होते हैं छह। ठीक है, छह मैंने बड़ा लिखा है और छह छोटे भी लिखा है। ठीक है, तो बड़ा वाला छह मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइप्स है, यहाँ पे टोटल कितने हमारे टाइप्स होते हैं, छह। अनिश्चय वाचक, निश्चय वाचक, इन दोनों को साथ में आप जोड़ के देखिए, एक अनिश्चित है एक निश्चित है। प्रश्नवाचक, आपको पता ही होगा भाई प्रश्नवाचक बातें क्या होती है। लास्ट में संबंध वाचक, भैया संबंध एक दूसरे से कनेक्टेड, रिलेटिव्स। ठीक है, निज वाचक, प्राइवेट। ठीक है, पुरुष वाचक, पुरुष के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि पुरुषों के हालात काफी खराब चल रहे थे इसमें, तो हम लोगों के उसके बारे में काफी गहन चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुरुष वाचक की बात हम लोग आगे में करेंगे। तो पहला है अनिश्चय वाचक। ठीक है, अनिश्चय वाचक में आप कैसे पता करेंगे अनिश्चय वाचक, आप देखिए, जैसे कि रात में आप सो रहे हैं, अचानक ऊपर से खट की आवाज हुई, जैसे आप ऊपर गए खिट की आवाज हुई, तो आपने क्या सोचा, क्या है, आपने देखा नहीं किसी को, तो आप क्या बोलेंगे, कौन है, कोई है वहां पर, तो आपने, आपको पता नहीं कि वहां क्या है। ठीक है, फिर आपने सोचा कुछ तो है वहां पर, तो ये जो कुछ तो है या कोई है, ये जो आपने बोला, आपको खुद नहीं पता है कि क्या है, आप कहना क्या चाहते हो ये आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो गई, यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो अनिश्चित है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चय वाचक हो गया। जैसे कि कुछ तो है, कुछ तो है एक मूवी भी थी आपको बताओ तो, ठीक है, या कोई तो है, कभी तो होगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमें खुद भी नहीं पता है कि कब होगा क्या होगा, कुछ निश्चित नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। और जहां पे निश्चित हो, तुम हो, ठीक है, वहां वो खड़ा है, वहां ये कर रहा है, मैं कल काम कर दूंगा, तो ये क्या है, निश्चित है, हमारा फिक्स है, तो ये क्या हो गया, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है इसमें सब कुछ। ठीक है, अब डेफिनेट से आपको याद आ रही होगी कोई मूवी में बंदे का नाम डेफिनेट था। ठीक है, तो निश्चित, निश्चितता बहुत जरूरी है कि आपका कल सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी में, सॉरी यूपीएसआई जो उसमें थोड़ा गलत बोल दिया। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक एक दूसरे के अपोजिट है, जहां भी आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन निश्चय है कौन अनिश्चय है। ठीक है, अब आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं होगा, हमारे टूथपेस्ट में धनिया पुदीना अदरक लहसुन सब है लेकिन नमक नहीं है भाई। और तो ये जो है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आप क्लोजअप करते हैं, ये सब क्या है, ये प्रश्नवाचक है सर्वनाम। ठीक है, जहां पे भी प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्या होगा, इंडिया को भी आईसीसी ट्रॉफी जीत पाएगी, या विराट कोहली को भी आईपीएल जीत पाएगा, क्या आरसीबी कभी आईपीएल जीत पाएगा, तो ये भी आपका प्रश्नवाचक है। क्या भूत होते हैं, सबसे जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आप भूतों पे यकीन करते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक टाइप है। ठीक है,
संबंध में तीनों आ गए होंगे। अब संबंध बात है, संबंध तो भाई संबंध हमारे बहुत खराब चल रहे हैं मार्केट में, और संबंध में दूरी बनाए रखे अभी, क्योंकि कोई ज्यादा नजदीक आएगा तो क्या कोरोना का खतरा हो जाता है, तो संबंधियों से थोड़ा दूर रहे। और संबंध वाचक ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं या फिर डिपेंड होते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के, जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा, जैसे आपने किसी ने आपको कहा गधे हो क्या, तो आपने क्या कहा, जो बोलता है वही होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा ऐसे बच्चे बोलते थे ना, जो बोलता है वही होता है, भाई हम तो नहीं है, तो जो बोलता है वही होता है, ये क्या है, संबंध वाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है, संबंध वाचक, एक दूसरे से जुड़े हुए सेंटेंस है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि एक का रिजल्ट दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि एक है, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे और यूपीएसआई निकल जाएगा तुम्हारा, और अगर खराब से पढ़ोगे तो यूपीएसआई तुम्हें निकाल देगा, समझ के बात, तो अच्छे से पढ़ो। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, मतलब एक जो रिजल्ट है वो दूसरी बात पे डिपेंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संबंध वाचक, एक दूसरे से संबंधित है ना बात। अब निज वाचक, निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब अपना, जैसे कि हम अपना काम कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपना काम कर लेंगे तो हमारी बात है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा कोई टक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हम निज खुद की बात कर रहे हैं, हमें अपना काम खुद करने की आदत है, ठीक है, तो यहाँ पे खुद करने की आदत है, खुद खुद कौन हो गए, निज वाचक, हम अपने आप सारा काम कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, अपने आप की बात हो रही है, कि मतलब हम खुद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या, हम अपने आप जो बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, निज वाचक, मतलब हम ही हम है बस, और कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो अपने आप को मास्क लगा के सुरक्षित रखिए, बाकी सब लोग आएंगे बोलेंगे मास्क लगाने से ये दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है, पेपर पड़ जाते हैं, छाइयां पड़ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मास्क लगाइए। तो अगर हम है तो सब है, हम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये हो गई निज वाचक की बात, कि हम बस अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश, ठीक है। पुरुष वाचक, जैसे कि एक बात और, अपने आप की बात हो रही है, अगर केवल आप यूज हुआ है तो मतलब ये आपकी बात नहीं हो रही, अपने आप के बारे में बात हो रही तब बोलेंगे, जैसे कि हम अपने आप कर लेते हैं, आप कर लेते हैं, तो ये अलग सेंटेंस है, अगर हम अपने आप कर लेते हैं कोई भी काम, कौन सा काम, बहुत सारे काम होते हैं जो हम अपने आप कर लेते हैं, तो वो क्या है, निज वाचक है। अब पुरुष वाचक की बात करते हैं, देखिए पुरुष वाचक में तीन तरह के पुरुष पाए जाते हैं हमारे समाज में, अब ये याद रखिएगा, ये जो पुरुष है और मतलब ये जो पुरुष यहाँ पे यूज हुआ है वो एक्चुअल में पुरुष नहीं है, वो पर्सन की बात हो रही है, किसी भी पर्सन की, मतलब उसमें केवल पुरुष की बात नहीं हो रही है, मेल फीमेल का कोई सीन नहीं है, इसमें सभी लोग आ जाते हैं, पुरुष में मतलब मैं तुम वह जो भी है, अब उसमें मेल फीमेल में कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, वो मेल भी हो सकता है पुरुष, फीमेल भी हो सकता है, यहाँ पे पुरुष का मतलब है क्या है भाई, पर्सन। जैसे कि हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय देखते हैं क्या, पर्सन, तो आपको पता होगा वहां पे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन कौन होते हैं पता है, वो जो जिनके बारे में लोग बोलते नहीं, चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो चार लोग कभी ढूंढे नहीं मिलते, वो चार लोग कौन होते हैं हमें भी नहीं पता है, कौन से चार लोग है जो हमें देखते रहते हैं यह हमें नहीं पता है, ये वो थर्ड पर्सन है, तीसरे, ठीक है। और जब बात हमारी और आपकी हो तो मतलब फर्स्ट और सेकंड, और हमारी आपके में भी फर्स्ट कौन होगा, हम ही है भाई, हम सर्वोत्तम है भाई, हम खुद को सर्वोत्तम मानते हैं, तो यहाँ पे मैं और हम ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, मतलब अगर मेरी बात हो रही या हमारी बात हो रही, जो मेरे साथ है वही सबसे उत्तम है, वही सबसे सही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तम गुरु। अब जाहिर सी बात है, हर इंसान अपने आप को ही सबसे बेहतर मानता है या फिर सबसे अच्छा मानता है, अपनी गलती कोई मानता है, नहीं मानता भाई, क्योंकि हम उत्तम है, हम गलती नहीं कर सकते या मैं गलती नहीं कर सकता, तो हम और मैं, हम का मतलब हमारे साथ जो जुड़ा है वो भी गलती नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं और हम क्या हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और हिंदी में बोलेंगे तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, मैं और हम, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है सेकंड कौन सा, तुम, वह, ठीक है, तुम को हम लोग थोड़ा ज्यादा इज्जत देने लगे, सामने वाले को जब ज्यादा
सेकंड पर्सन है या मध्यम पुरुष है। तो देखिए तुम भाई सॉरी वह नहीं होगा यहाँ पे, वह कोई मिनट के लिए हो जाए कुछ नहीं हुआ ठीक है, चीटी मर गए चीटी मरने वाले बात ठीक है। तो यहाँ पे हुआ तुम को हम लोग ज्यादा इज्जत देते तो हम क्या बोलते हैं आप। अब देखिए उत्तम पुरुष में मैं हम भी बोल सकते हैं और हमको कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं हम सब बहुत अच्छे, तो हम सब भी हो सकता है। तो उसी तरीके से इसका अपोजिट मैं का अपोजिट क्या हो गया तो ये क्या हो गया सेकंड पर्सन या फिर मध्यम पुरुष, मध्यम वर्गीय लोग हैं ये भाई ठीक है। मैं आप और हम या हम सब की जगह क्या हो जाएगा तुम सब, यू ऑल, ये सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष में आ जाएगा ठीक है। ये भी क्या होगा मध्यम पुरुष हो जाएगा, पुरुषवाचक में अभी पहले ये बेसिक का बता रहे सेंटेंस अभी बताएंगे इसके बाद। उसके बाद अब देखिए लास्ट आता है अन्य, पहले बात हमारी होगी फिर आपकी होगी और फिर किसी तीसरे की बात करेंगे जो सामने है पहले उसका मामला निपटा सकते हैं ठीक है। तो अन्य में कौन से आ जाते हैं या फिर हम बोले थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आ जाते हैं देखिए वे या वे सब ठीक है, वह ये सारे किसमें आते हैं जैसे कि आपने देखा ही सी इट ये किसमें आता था थर्ड पर्सन में आता था। तो ये याद रखिए कि अन्य पुरुष में वे सब वह यह उन सब की बातें बाद में करेंगे, केवल हम दोनों अपनी बातें करते हैं ठीक है। तो ये उत्तम मध्यम पुरुष आपस में बात करते हैं कि अन्य पुरुष को बाद में देख लिया जाएगा ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे सेंटेंस कैसे बनेंगे देखिए, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ मैं बाजार जा रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या लाइक कर रहे हैं वीडियो को, लाइक कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल नहीं कर रहे हैं मुझे दिख रहा है ठीक है। तो वो करिए आपका काम क्या है सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष आपका मतलब मध्यम पुरुष ठीक है। अब वे सब जो पढ़ते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं ठीक है। तो वे सब भी क्या हो गया आपका यहाँ पे यूज हो गया आज ठीक है। वे सब अच्छा खेल रहे हैं ठीक, 11 के 11 लोग हैं वहां पे और कौन अच्छा खेल रहा है आपको पता ही है आजकल ठीक है। तो ये क्या हो गया पुरुष के तीन पार्ट हो गए, इसमें आपको सारी चीजें पता चल चुकी है कितने टाइप के सर्वनाम होते हैं कितने टाइप के पुरुष हो सकते हैं। पुरुष का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ पुरुष का मतलब पुरुष नहीं है ये क्या है पर्सन है ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पूरी बातें समझ में आई हो कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया है। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।